तीन वर्ष तिलाड़ा थे दिल्ली में हम लोग घराना के साथ पर नोट रोक बैंक के ये गलत पांच वर्ष से आपने बाय डाटा चल वो कानून में भेजे नहीं फिर के लोग दिल्ली में हम लोग प्रमाण ने रोक के समझाए पर माने को भी पढ़ो दो इवेंट भेज लीजिए पत्नी वर्ष और पांच अब भी वर्ष मेरे को राजू नायक साहब का आठ लाख बाकी है तो कायम है तो और मैं राजू नायक साहब को एक कार्यक्रम में नाम ना तो मुंबई में तो कला को तो डिक्लेयर कर दो ब्याह जगड़ में मुंबई जगड़ में मालूम है नहीं वो डिक्लेयर कर दो तो राजू नायक कायम को यही कार्यक्रम आपने एक कार्यक्रम में नाम लिखा आपन साहित्य सम्मेलन कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम में तो डिक्लेयर कर सको नहीं मैं एक काम करूँ तो मार छोरी बर्थडे है या बेटा छोरा बर्थडे है तो बर्थडे भेजा जाए मैं तो हेडवर ग्रुप और स्टेशन पर बोला गुलदस्ता गाल अपन सत्कार करा था नहीं एक मंत्री उतरे तो एक मंत्री सत्कार करे तो नहीं हरू मैं करूँ चू क्योंकि वो किला साहब है रात 9:30 बजे बात से साहब हम खाते पीते बैठे रात 9:30 बजे लास्ट हम समझाए केला जी ने चल नहीं अभी तुम डिक्लेयर कर दो तो हो गए उनकी थोड़ी सी ऊपर नीचे की बात अब हो गई इसने तिलावत जी ने क्या किया 8 दिन के बाद लिख दिया लेटर ये राजू नायक ने मेरे को हैंड ओवर कर दिया ये कर दिया वो कर दिया व्हाट्सएप पे डाल दिया साहब व्हाट्सएप पे डालने के बाद राजू नायक बोलता है मैं तो हैंड ओवर किया ही नहीं उसको ये कैसे हो गया ये तू है वो मैं दिनोज बोली और ताबे मैं लालोज बोली लेटर दिनोज बोली हम व्हाट्सएप पर था लालोज बात तो व्हाट्सएप पर चाली घंटा चाली व्हाट्सएप पर तो लोग हमारे में पर गांव का कार्यक्रम करा था क्योंकि सोशल वर्क तो हमारे में डालने वाले कुछ से सारे ये दीजन वाला टाइम माने से दिया अदर स्कूल छ ताकि मैं एक दे तिलावत किया दे इस बात कहीं सी कि दीजन भी गलत करो जरा हम मीटिंग बुलाए सत्ता होटले में मान ला भी मान्य से मोटे मोटे लोग लेते वो मीटिंग हम बुलाए ना मान्य तिलावत साहब बाजू होटले में है तो सर बाजू होटले में है तो फोन बड़ा भाई मिलकर के और नाम लागे चुका है नैना नायक नैना नायक ने रोड कोई बात बड़ा बोल है अब राजू नायक इसकी बात देखो राजू नायक आए को आगे की पगड़ी में छोड़ दो चु अब तभी कैन दे से तो हमें कहे बोला वो बोला आए बोली वो दीदी कहे मैसेज दे लो जतरा भी स्टेज पर बैठे छे इन संगठन पर मीटिंग कर रहे छे वो मीटिंग है भ्रष्टाचार और सेन गाना कुछ ऐसा उसने हमको लेटर में वाइस चांसलर को भेज दिया ये जो भी गए वो मीटिंग को नॉन ऑथराइज मीटिंग है वो मीटिंग का कोई वैल्यू नहीं मैं वो मीटिंग को जाता फिर वो ऑफिस में कह दी तो जेल पर हम संगठन और क्षेत्र में लोग स्टेशन पर कहेंगे जे राजू नायक आप और 2 महीना स्टेशन कर देते हैं जब क्या होगा जब भी फिर बताते फिर उसको हम लोग पगड़ी पहना है साहब 2 या 3 महीने फिर हम लोग ने क्या किया और एक मीटिंग रखा सत्कार होटल में थाना में सब मीटिंग रखने वाला मैं खर्चा करने वाला मैं दोनों झगड़ा करने वाला वो वकील का फी भरने वाला शंकर पवार मेरे जैसा चुतिया है धरती पे कौन होगा कौन भी है का ये समाज है रंजीत नायक साहब जो कष्टा का पोच है ये झाड़ लगाड़ पोच है वो सारे कितनी दिन डाक नहीं ला पाओ उनके वो काम के साहब उत्तर मन से कि दो मन बन भी चाहे नहीं मन समाज हनुम प्यार करे थे जो तो नहीं समाज में आ रही हूँ वो मेरी घर काम करते रही हूँ आपके पूरी करोना में 10 से 15 हजार में तुम पास करो चाहो एक दिन दार पूर्वों को मटे दिले जाएगा सोनू सूद और पीछे मचू तमें कहियो आज सोनू सूद लाल शंकर पवार छे आज बस तो जो आज बस वाली वान आज वो बसे में अपना गोर मटे मेरो रात 3 बजे रात 4 बजे उठे कर काम मेरो ये संगठन का नाम बड़ा है ऑल इंडिया नाम बड़ा है अन यात्रा करता और पीछे दिल्ली आज जो दुनिया देश आजाद हो यार तुम्हें पूछना मालूम ही नहीं देश आजाद हो शिवराज महाराज दिल्ली में कोई जयंती की देते कोई 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 की दे कोई की देते माननीय खासदार साहब और शंकर पवार ऑल इंडिया बन जाए शंकर पवार ऑल इंडिया बन जा रहा है बात सर
ये दो ही भरण को भव्य वो भी करने कम 15 से 20 हजार लोग सर वो कार्यक्रम करने खैर काम को नहीं होता तुम एक वाया करा तो वह सके नहीं अतरा लोग पूरा देश लोग आए तो होता है मन लागे जब मैं दिया बेटो सर से मैं आए तो तुम जो दिल्ली आई हुई हो वो देख बोले जो कार्यक्रम के और संत रामराव बापू अपनो जो धर्म गुरु अतरा सीरियस रहता वो बापू आन और आदित्य भोग लगाड़े संत सेवालाल महाराज जी की इच्छा रहती मारे एक ना एक बार दिल्ली में जोत लागी है और आदित्य जोत लगाड़े वालों हम ऑल इंडिया वगैरह सेवा सर मान्य फायदा उमेश यादव इतनी ज्यादा उनकी काय कर सो केर कम पिसा मांगो मैं पार्टी मांगो ये मोड़ी हम कार्यक्रम कर रहे छू पर पार्टी फाड़ो ये फाड़ो मान्य दिलावर साहब काय कर और हिसाब दो अरे दिलावर जी मैंने किससे मंगाई नहीं तो तेरे हिसाब देने वाला को तू पूछने वाला को मैंने किससे लिया तो बोलू मैंने लिया ही नहीं तो ये ऐसा काम करते वाले मिलते हैं शायद ये नहीं आ गए ना तम हाँसो ना हमें हाँ दे दूसरी बात करो सर नेक्स्ट मीटिंग भी नहीं चल रहा पूरा नहीं घर मतलब जैसे नेक्स्ट मीटिंग भी नेक्स्ट मीटिंग में मैं किला साहब वगैरह से आया ना मुल्ला जो सर मैं बेटी को रोक चल मार बोल अगर मैं साहब सर नेक्स्ट मीटिंग में से आए थे आए तो जो जरूर मुंह इलावा जी मैं क्लिप तो सामने अभी भी क्लिप ऑल इंडिया मंदारा सेवा संघ आज ये पूरी कोर्ट कचहरी की बोली तो पंच टाइम मर गए थे कहीं राजू नाइक को जीरो से पर जीरो बोली वो बजन नाम दिया वो कोटा नाम बना था तब को हम आज एक और लोग दौड़ी ची बजन बलान बलान लोग नहीं बलान जरा जोड़ी की तो बोलो बलान बलान राजू नाइक जरूर बोली का फंस हम मिलते राजू नाइक के कहते भाई 3 वर्ष में तू जरूर बोलती 3 वर्ष में खराब नहीं था ये हकीकत छ ये मानना छ मैं ओम नमः शिवाय बोला रहा भगवान छ भगवान के भक्त छ मैं लगा निकले के से मुझे बोल रहा छ सत्य बोल रहा छ फिर क्लिप के साथ बोल रहा था बहुत महान बोलो और बचा मुझे ज्यादा काई बोल दियो छ पण तुम शॉर्टकट में करो आयो माइक ले दो मैं सब पब्लिक हिंदू चार से संगठना ये मैं विड्रॉ कर लू मैं माफी मांगू चु के दंड को ये हो और मैं सवार 10 बजे दान विड्रॉ करू चु क्लिप है क्लिप से संभालू चु साथ जननायक साहब था इतने बड़े बड़े लोग थे अर्जुन राठौर साहब थे उस टाइम में सीधे हरिलाल थे मेरे ख्याल से और रविंद्र साहब थे हाँ सर आप भी थे ना सर जरा उठ के बोलिए सर प्लीज हाँ मुझे हम लोग क्या किए मेरे बम्बे के बेटे साहब खाना खाने को इनका फोन आया किला किसको गणेश बोला क्या है तुम लोग अकेले खा रहे हो खाना हमने क्या गलती किया अरे मामा आप भी आओ हमने गाड़ी भेजा बीके नायक के घर में था गाड़ी भेजा आया खाया बेटा और आप थे ना सर यूर के बगले में आप लोग थे ना क्या बोला भांगे मैं कल सुबह विड्रॉ कर ले रहा हूँ बोला ना सर जरा उठ के बोलो तो जरा पब्लिक में समझना चाहिए बोला है विड्रॉ बोला तो क्या हुआ फिर 10 बजे साहब लोग तैयार होके गए कौन कौन गए माननीय जगन्नाथ साहब रविंदर साहब हरिलाल अर्जुन राठौर प्रति मारती उम्र के 80 साल के उम्र के आदमी गए जाने के बाद बीके नायक और तिलाव जी आए और जब वो मैडम को बोले ये हम लोग विड्रो करना चाहते हैं हमारा तो मैडम बड़ी जस्ट मैडम क्या बोली बहुत खुश हो गए बोला अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आप दो शब्द लिख के लाइए मैं भी खत्म कर देती हूँ जब ये दो शब्द लिखने गए जो मैं ज्यादा बोलूंगा तो तकलीफ होना चाहिए तो वही बैठ के मैंने ड्राफ्टिंग किया पहला चैम्बर में जाके जेठ मैडम को मिला बेटा कहता है
वो इतना खुश हो गए, मेरा एक डिस्पोजल हो जाएगा रोल है, लिख के लाओ। लिख दिया, ड्राफ्टिंग किया, राजू नायक का साइन किया, राजू नायक साइन किया, तिलावत को साइन करने के लिए दिया, तिलावत साइन कर रहा था, पेन भी निकाला था। इतना भी है बिल्कुल नायक बोलता है, अरे तेरा वकील को पूछ के आओ, तार वकील को पूछ लाओ, ये वकील को पूछ जाओ जो कर वजह था सो वकील को मैं पूछता हूँ और स्वयं वकील बोलता है, वो सोता वकील चुकन कच है और वकील ने पूछ रहा हूँ धान दाल को मन के आ ये ऑल इंडिया बजारा सेवा से क्या संभाल सकता है साहब, ऐसा भाषण डांट रहे धासु कर। उसके बाद और एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में क्या हुआ, ये फिर भी कहता है मेरे ऑफिस में दो बार तिलावत को बुलाया था। देखिए मैंने उनको क्या कहा, मैं उनको तू मार बाप स्थान छी सर, मैं उसको कहा कि तुम मेरे बाप स्थान है, अगर एक बेटा अगर बोलता है कि बाबा बा मर रही बस देना ऐसे लड़े मारा तो मान लो इसी बोल बात का किसी के साथ आओ चुके होते ही कहा तो उधर से भी आगे। उसके बाद माननीय खासदार उमेश यादव और दिल्ली के लोग पंचायत फिर मेरे को मीडिया खासदार ने बुलाया, शंकर तुम अर्जेंट आ जाओ, मेरे को बोला नहीं कि तिलावत जी को मैंने बुलाया है, वहां पंच में बैठे हम लोग, फिर एक आदमी था छोकरा उसके साथ में, वो क्या बोला तिलावत जी अभी मैं मना के लाता हूँ नहीं तो तुम्हारा चेकपोस्ट से मेरे को मारो। मैं बोला तिलावत भाग जाता रे, नहीं मानता भाई, नहीं नहीं साहब आप मेरे में भरोसा तो रखो। ऐसा करके गया तो मीटिंग को दो दिन नंबर रहा साहब, मैं दिल्ली में दो दिन था दीदार है तो दिल्ली में वो तो दिन आवाज चुके था ऐसे ही भागते रह रहा। अभी कोर्ट में केस डाला है, अभी मैं झोला पकड़ के मेरे जिंदगी में मार सो मार सोता बिजनेस करूँ चुके लड़किया मंडो तुम्हारे पत्र रहने थे कन्हा कोर्ट कचहरी को मन गया अनु बस्ता ले जाऊँ चुके अरे ये दी जना बेटा नहीं अरे तुम उम्र चुके प्रत्येक तारीख ने दाव हाजिर करूँ और वो आई नहीं एक भी तारीख ने अटेंड चुके। अच्छा दूसरी बात, उन दोनों को राजू नायक को भी डिसमिस किया है सर, अभी सामर लो दो ही राजू नायक भी डिसमिस कर मिली को रही राजू नायक दिलावत दो ही डिसमिस कर मिली से ओम दान ये स्टे लेन दे अभी की ताजा खबर ऐसी है स्टे लेन दे हैं स्टे स्टे बोलो तो क्या अध्यक्ष हो गए हो सर ऐसे का वैसे ही ना। उसके बाद मुझे आप लोग में सबने यही स्थान पर मुझे बनाए थे, आप लोग सब थे यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे बनाए थे, मैंने किसी को बोला नहीं मुझे बनाओ, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अध्यक्ष बन के सेवा करूंगा, मैं नहीं रहेगा तो भी मेरे गोर गरीब पास सेवा करते रहूंगा जान है जब तक जरूरी चाहिए। और दूसरी बात क्या मतलब मेरा भी पूछो सर, मुझे एक भी नेता बनने का शौक चाहिए ना, एमएलए बनना है ना किसी को मेरे लिए टिकट मांगना है, मैं अभी 100 रुपया स्टैंप पेपर लिख के देता हूँ, मैं जवान दे रहा हूँ, मैं कभी नेता बनने का सपना नहीं देखता, मैं नेता बनाने का सपना देखता हूँ लोगों के लिए।
जय श्री राधा, जय श्री राधा।